सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज पे और इस पे हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी बनी हुई हैं। बता दें कि कैस्टर सीड की बात करते हैं एग्री कॉमोडिटी में, तो बता दें 7388 पर कारोबार करता दिखा है और इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि कैस्टर सीड में क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? फिलहाल मार्केट देखने को मिल रहा है, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में है, तो वो रेंज अभी भी बनी हुई है नीचे में 7200 तो ऊपर में 7400, तो इसी रेंज में फिलहाल मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, डाउनसाइड जो है मार्केट बना रह सकता है और नीचे में 7200 तक का सर एक बार हाल फिलहाल में देखने को मिल सकता है। वही कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो ये बता दें कि 2638 पे कारोबार करता दिखा है, तो इसमें हल्की तेजी देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, जो गिरावट आ रही थी वो अब थमती हुई नजर आई है और एक बार फिर से निचले स्तरों पर रिकवरी देखने को मिली है और ये रिकवरी जो है 2700-2720 तक हो सकता है ऊपर जाती हुई दिखाई दे, लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी बनाकर चलना चाहिए। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से एक से दो ट्रेडिंग सेशन में तेजी बन सकती है, तो उस हिसाब से आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, जैसा कि रूपा जी ने बताया, इसमें हम आगे खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी, अगर ग्वार गम ग्वार सीड की बात करें तो बता दें ग्वार गम 9380 पर ट्रेड करता दिखा है और ग्वार सीड 5120 पर ट्रेड करता दिखा है। ग्वार गम में तो तेजी देखने को मिली है लेकिन ग्वार सीड में हल्की गिरावट देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा ग्वार गम ग्वार सीड का बाजार? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही कमोडिटीज में करेक्शन काफी अच्छी देख चुके हैं हम और अब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और जो कि अभी देखने को भी मिल रहा है, तो यहाँ पर 9600 से 9800 तक गम जा सकती है और तो वहीं सीड की बात करें तो 5200-5220 तक की अपसाइड बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो मसालों में बता दें धनिया 12130 पर ट्रेड करता दिखा है और जीरा 23700, बता दें कि लगभग 80 पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं हल्दी 7810 पर, तीनों ही कमोडिटी में तेजी है, मसाले में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बता दें कि भारतीय मसालों की दुनिया भर में इस टाइम चर्चा है। हल्दी, अदरक और केसर के निर्यात में भी लगभग 200% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसालों के निर्यात में काफी तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये तेजी आगे और कितनी देखने को मिल सकती है? देखिए, मैंने पहले भी इसी चैनल पर बताया था कि मसालों में तेजी बनी रह सकती है और डिमांड जो है आगे जुलाई अगस्त में पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और हमने देखा भी है कि जो पहले मसाले सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे थे अब उनमें वापस से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और अभी जहां तक जीरे की बात है, जीरे में बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, 23500 के ऊपर निकल चुका है, तो अब यहाँ से 24200 तक का फिलहाल स्तर एक बार दिखाई दे रहा है कि देखने को मिल सकता है। और अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया अभी बहुत ज्यादा तेजी नहीं पकड़ पाया है, लेकिन आगे चलकर मुझे लगता है कि धनिया में भी तेजी बन सकती है, 13-13500 का स्तर धनिया में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से हल्दी भी अच्छी लग रही है। सेप्टेम्बर वायदा की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 7800 के आसपास बाइंग करके चले तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि मसालों में आगे और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, बाजार आगे और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। रूपा जी, बात करें अगर खाद्य तेल की तो बता दें कि रूस और इंडोनेशिया ने बड़ा कदम उठाया है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट लेवी हटा दी है, वहीं जबकि रूस ने सूरजमुखी तेल के निर्यात के लिए कोटा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत में अडानी विल्मन ने भी 30 रुपये प्रति लीटर की कम किए हैं दाम, तो आपको क्या लगता है कि ये जो दाम कम किए जा रहे हैं इससे क्या आम आदमी पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, अभी कीमतें और नीचे आती हुई दिखाई दे सकती हैं और जिस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ मार्केट में दिखाई दिया है, खाद्य तेलों में अब बाजार जो है एक रेंज में दिखाई दे सकते हैं, यानी कि अब जैसे कि सभी कंपनियों ने तेल के दाम घटा दिए हैं और रिटेल में भी अब प्राइसेस 20-30 रुपए नीचे आ चुके हैं, तो आगे चलकर ये मार्केट जो है यहीं पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, छुटपुट गिरावट बनी रह सकती है। जी रूपा जी, अगर शुगर की बात करें चीनी की, तो इस्मा ने 10 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात करने के लिए खाद्य मंत्रालय से अनुमति मांगी है, तो आपको क्या लगता है कि यह अनुमति उन्हें मिलेगी और अगर ये मिल भी जाती है तो आगे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है?
देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुगर का प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा है इंडिया में, और एक्सपोर्ट अगर किया जाता है तो प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा तेज होते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है उत्पादन अच्छा है, और आगे चलकर भी कीमतें जो है वो एक सीमित दायरे में घूमती हुई दिखाई दे सकती है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो अगर एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाती है तो ये काफी राहत वाली बात होगी शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और अगर जिस तरीके से अभी रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब जो है अगर इसको गवर्नमेंट खोल देती है तो ये इंडस्ट्री के लिए काफी राहत वाली बात हो सकती है। और प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा बूस्टअप एक्सपेक्टेड नहीं है जी। रूपा जी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दाल चावल महंगे हो सकते हैं। बता दें धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी आई है। वहीं इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बीच सप्लाई के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए तूर और उड़द दाल का इम्पोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा दोनों ही कॉमोडिटी में? देखिए अभी जिस तरीके से तुअर और दाल की जहां तक बात की जाए तो प्राइजेस के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दालें जो हैं वो काफी दालें एमएसपी के नीचे ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, और ये पूरा साल ही हमने दालों में प्रेशर आता हुआ देखा है, और अब आगे चलकर भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्राइजेस जो है वो एक रेंज में अपडेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है जी। रूपा जी, अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर और प्याज की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बता दें टमाटर के खुदरा दाम में पिछले महीने के मुकाबले 29% और प्याज के दाम में भी लगभग गिरावट देखने को मिली। तो आपको क्या लगता है कि टमाटर प्याज का भाव कहां तक जा सकता है, कैसा रह सकता है बाजार? देखिए प्रोडक्शन इस बार अच्छा खासा है प्याज का, और हम देख रहे हैं कि टमाटर हो या फिर अभी पीछे खबरें निकल कर आ रही थी कि फार्मर जो है टमाटर को सड़कों पर गिराते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी। तो अभी जिस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा, बारिशों का भी सीजन शुरू हो चुका, तो ऐसे में पेरिशेबल आइटम्स है ये जल्द खराब हो जाती है, तो इसलिए इनकी सप्लाई बहुत अच्छी खासी है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस जो है कोई बहुत ज्यादा उठते हुए दिखाई देंगे, बल्कि थोड़ा सा दबाव जो है इन दोनों ही कमोडिटी के ऊपर बना रह सकता है जी। रूपा जी, अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन की खेती करने वाले किसान इस टाइम बहुत परेशान हैं, उनकी हालत बहुत बेहाल है। सिर्फ 5 से 8 रुपए प्रति किलो पर लहसुन बेचने को वे मजबूर हैं। तो क्या लहसुन के बाजार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या कीमत और गिरेगी इसकी? देखिए प्रोडक्शन इस बार लहसुन का भी अच्छा खासा है, और पूरा ही साल हमने इसके भी प्राइजेस में कोई बहुत ज्यादा बूस्टअप आते हुए दिखाई नहीं दिया है, और अभी जिस तरीके से भाव देखने को मिल रहे हैं अभी फिलहाल नहीं लगता कि कोई उठाव आता हुआ दिखाई देगा इस सीजन में, तो प्राइजेस जो है वो डाउन साइड में ही बने रह सकते हैं जी। रूपा जी, कपास की बात करें तो इस साल कपास का रिकॉर्ड बुआई का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को प्याज और सोयाबीन के मुकाबले कॉटन में अधिक फायदा मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कॉटन का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बुआई का भी तो अनुमान इसमें लगाया गया है? देखिए जहां तक कॉटन की बात है, अभी नो डाउट इस बार प्राइजेस अच्छे मिलने के चलते काफी फार्मर्स का रुझान जो है कॉटन और सोयाबीन की तरफ गया है, और इसकी सोइंग बढ़ती हुई दिखाई दी है अदर कमोडिटीज के मुकाबले में। तो यहां पर अभी फिलहाल जो है मार्केट जो है वो डाउन साइड है, और अभी जो तेजी आनी थी वो आ चुकी। मैंने लगातार यही बोला है कि कॉटन के अंदर बिकवाली करके चले, बिनोला खल, बिनोला, इन सब में अभी फिलहाल दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और अभी मुझे लगता है कि ये प्रेशर बना रह सकता है जी। रूपा जी, बता दें कि कृषि निर्यात में भी भारी उछाल आया है। भारतीय सब्जियों और अनाज में दुनिया भर में जो है वो उसकी मांग बढ़ी है, तो कृषि निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा कुछ आगे सब्जियों का बाजार देखने को मिल सकता है? देखिए एक्सपोर्ट्स में नो डाउट अभी को काफी कमोडिटीज के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर सरकार भी काफी चौकन्नी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो एक्सपोर्ट की वजह से बढ़ते हुए दिखाई दें। और जिस तरीके से दुनिया भर की स्थिति देखने को मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सभी देशों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो इसके चलते अभी एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप नहीं होंगे। फिलहाल बाजार जो है वो सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। सब्जियों में आगे चलकर हो सकता है कि तेजी बनती हुई दिखाई दे जी। रूपा जी, एग्री कॉमोडिटी से रिलेटेड मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि एग्री कॉमोडिटी में ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है जिसपे आगे मुनाफा देखने को मिल सकता है, कारोबार करके चला जा सकता है?
देखिए अगर इंट्राडे की बात करें तो आज ग्वार अच्छी लग रही है, ग्वार में बाइंग की जा सकती है, ग्वार तेजी में जा सकता है सीड 5200 के पार, तो गम जो है अगस्त वायदा 9500 के बाहर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है कि मसालों में अभी भी पोटेंशियल है, मसालों के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि एग्री कम्युनिटी में ग्वार गम और मसालों में आप आगे कारोबार करके चल सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा अच्छा फ़ायदा देखने को इसमें मिल सकता है। तो सिलसिला बाजारों का मैं अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।